दोस्तों अब आपको TVS XL 100 हैवी ड्यूटी मोपेड में भी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, TVS कंपनी ने अपनी इस मोपेड में भी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा के दे दिया है। आपके सामने खड़ी है BS6 TVS XL 100 हैवी ड्यूटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये BS6 मॉडल है, इसमें क्या बदलाव हुए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। काफी कम कीमत में ये मोपेड मिलती है, जिस पर आप कहीं भी सामान ले आ जा सकते हैं और लेके जा सकते हैं। साथ में बुजुर्गों के लिए काफी कमाल की चीज है ये, अगर उनको पसंद आती है तो। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मोपेड के बारे में कि इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मोपेड उपलब्ध है सरदार TVS अयोध्या उत्तर प्रदेश नियर बस स्टैंड। यहाँ पर आप TVS के किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आप मॉडल और डिजाइन को देखेंगे तो कोई चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, वही आपको लाइट मिल रही है, DRL मिल रहे हैं और आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिलते हैं जिससे टूटने का खतरा नहीं रहता है। बाकी आप यहां पर देखेंगे तो BS6 इस पे लिखा हुआ है। यहां पर आपको LED DRL मिल रहे हैं। मैं आपको साइड से दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये है XL 100 हैवी ड्यूटी और काफी कमाल की चीजें मिल रही हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां से दिखाना चाहूंगा तो अब आपको इसमें साइलेंट स्टार्ट तो पहले से मिलता था, लेकिन अब आपको इसमें इंजन किल की स्विच यहीं से मिल रही है, यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऑन करूंगा, दिखाऊंगा। यहां पर आप देखेंगे तो ये फ्यूल इंजेक्शन की लाइट दी गई है, यहां पर ये इंडिकेटर की हाई बीम की और यहां पर ये फ्यूल का है। साथ में ये देखते हैं, ये साइलेंट स्टार्ट का होगा दोस्तों, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं, आप देखना ये लाइट जल जाएगी। तो जब मैं ब्रेक दबा के और इसको, ये आप देखेंगे ये स्टार्ट हो गई, तो ये काफी कमाल की चीज है। आप देख सकते हैं कि, और ये आप देखेंगे कितना साइलेंट स्टार्ट होती है। सबसे पहले आप साउंड सुन लें, और यहीं से मैंने बंद कर दिया। अब दोबारा आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं और आप लोग सुने कि कितना साइलेंट स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट हो गई और आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा। तो ये है इसका साइलेंट स्टार्ट सिस्टम। अब दोस्तों मैं ज्यादा टाइम न खराब करते हुए सीधा आपको बदलाव दिखाता हूं। यहां पर आप देखेंगे साइलेंसर नया लगाया गया है, यहां पर आपको ऑक्सीजन सेंसर मिल रहा है, कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया गया है, तो ये इसके अंदर चेंज किया है TVS कंपनी ने। साथ में आप दोस्तों देखेंगे यहां पर ये हेड, ये सारी चीजें वही है, वही सारी चीजें इसमें है, लेकिन इसमें आपको ETFI, यहां पर आप देखेंगे ETFI इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल रहा है। ये काफी आपके लिए आश्चर्य की भी बात हो सकती है कि TVS कंपनी ने अपने इस मोपेड में भी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा के दिया है। और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यहां पर लगा हुआ है, ये इसके हेड के ऊपर, यहां पर इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। और यहां पर और भी उसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इस पे लगाए गए हैं दोस्तों। मीटर इसका इधर से चलता है। अब बड़े ड्रम आपको मिलते हैं जिससे अच्छी ब्रेकिंग की सुविधा इसमें आपको मिल जाती है। यहां पर आप देखेंगे इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक का भी सिस्टम मिलता है, मतलब कि दोनों ब्रेक एक साथ लगेंगी। ये दोनों ब्रेक एक साथ लगने के लिए सिस्टम है। यहां पर कैसे लगता है ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने कई वीडियो में दिखा दिया है। यहां पर जब आप लगाएंगे ब्रेक तो दोनों ब्रेक एक साथ लगती है। ये काफी कमाल का फीचर है। बाकी इसमें हेडलाइट की है और ये हाई बीम लो बीम की, और ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये ऑन ऑफ की है, बाकी हॉर्न की है और ये इंडिकेटर की है। तो इसमें ये सारी चीजें मिल रही हैं। अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो लगभग ये आपको 41,000 एक शोरूम प्राइस में मिलती है। 41,000 शोरूम, एक शोरूम प्राइस की मैं बात कर रहा हूं। बाकी आप कन्फर्म प्राइस के लिए सरदार TVS पर संपर्क कर सकते हैं। और बाकी आपको कैसी लगी मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। सारी चीजें वही है, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। यहां पर आप देखेंगे तो ये BS4 मॉडल है, ये इनका BS4 मॉडल है, ये भी इनका BS4 मॉडल है। आप यहां पर देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर लिखा तो नहीं हुआ लेकिन ये कार्बोरेटर मॉडल बाइक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये कार्बोरेटर लगा हुआ है, ये कार्बोरेटर इसमें लगा हुआ है। आई टच इसमें स्टार्ट लिखा हुआ है कि ये आई टच स्टार्ट है। यहां पर आप देखेंगे तो ये आई टच स्टार्ट है, लेकिन ये आई टच स्टार्ट तो है ही, लेकिन इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। माइलेज आपको पहले से और ज्यादा मिलेगी, काफी अच्छी स्मूथ चलेगी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा होने से। जितने की आपको माइलेज दे रही थी, मान लीजिए आपको 50-55 की दे रही थी, तो 60-65 की ये माइलेज दे सकती है क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लग गया दोस्तों। तो पहले से पावर भी अच्छी आपको मिलने वाली है। अगर आप लोग कमेंट करें तो मैं इसको चला के भी आपको दिखा सकता हूं, और आप लोग बताएं कि आपको ये कैसी लगी मोपेड फ्यूल इंजेक्शन में। मुझे तो काफी अच्छी लग रही है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मोपेड कैसी लगी। मैंने आपको सारे फीचर्स इसके बता दिए हैं, प्राइस माइलेज हर एक चीज बता दी है, इससे पहले मैं आपको बता चुका था। बाकी आप सस्पेंशन देखेंगे तो वही है, सस्पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया है दोस्तों, पीछे से सारी चीजें वही लगाई गई हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी लोग जो इसको खरीदना चाहते हैं उनको पता चले कि BS6 आ गई है, फ्यूल इंजेक्शन आ गया है, उनको भी पता चले। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।